Dear students, this is your first practical demonstration class in which I will teach you basic queries of SQL Server. I have explained you these queries in the class, and previously I have explained some basic queries to all of you. But in this video, I want to explain many queries like delete, drop, create, insert, select in the basic form. If you have any queries, any doubt, you can ask me in the comment box or in the class. Here on the desktop, you have to select SQL Server 2008, then click on connect button and then click on new query. You can see a window in front of you. You can write queries here. बट बच्चों, मैंने पहले से ही कुछ क्वेरीज़ लिख रखी हैं जिससे कि आपका टाइम सेव हो जाए, वीडियो बनाते समय मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मैंने फ़ाइल बना रखी है जिसमें मैंने आपकी क्वेरीज़ लिखी हुई हैं। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये कॉम्बो बॉक्स जो आता है ये डेटाबेसेस को शो करता है। हम जब भी कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं वो इसमें कॉम्बो बॉक्स में शो होती है। एग्जीक्यूट बटन से हम क्वेरीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कमांड लिखी हुई है ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट, मीन्स कि पहले से मैंने बना रखी थी स्टूडेंट डेटाबेस, तो हम इसको कम्प्लीटली रिमूव करना चाहते हैं और नए सिरे से बनाना चाहते हैं जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट जैसे ही मैंने किया तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और अब अगर हम कॉम्बो बॉक्स में देखें तो हमें स्टूडेंट डेटाबेस दिखाई नहीं देगी। पहले थी ये, जब तक हम इसको ड्रॉप नहीं करेंगे तब तक हम नई डेटाबेस इसी नाम से क्रिएट नहीं कर पाते बच्चों। अब हमने कहा क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, तो ये क्रिएट हो गई है। इसे देखने के लिए हम कॉम्बो बॉक्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट नाम की डेटाबेस बन चुकी है। अब इसके बाद हम यूज़ डेटाबेस करेंगे, मीन्स कि हम जाना चाहते हैं इस डेटाबेस के अंदर जिससे कि हम जितनी भी टेबल्स बनाएं वो इसी के अंदर बने। तो यूज़ डेटाबेस स्टूडेंट से हमने यूज़ कर लिया। हम चाहते तो कॉम्बो बॉक्स में भी स्टूडेंट डेटाबेस को सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते थे। अब हम रन करेंगे बच्चों क्रिएट टेबल कमांड। यहाँ पर मैंने लिखा है क्रिएट टेबल स्टूडेंट डिटेल, रोल नंबर इंटीजर, रजिस्ट्रेशन नंबर इंटीजर, नेम वेरकेयर 20, एज इंटीजर एंड सिटी वेरकेयर 20। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स उनके डेटा टाइप्स लिए हैं बच्चों, और यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट डिटेल टेबल क्रिएट की। जैसे ही मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, लिखा आ गया कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, और इस तरीके से हमारी टेबल बन गई। यहाँ SP हेल्प कमांड से हम स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले डेटा डिक्शनरी ऑफ अ टेबल। तो यहाँ पर ये हमें मेटा डेटा दिखा रही है, डेटा डिक्शनरी दिखा रही है स्टूडेंट डिटेल की, किस में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, उनके क्या डेटा टाइप्स हैं, क्या लेंथ है, ये सब कुछ ही हमें दिखा रहा है। स्टूडेंट डिटेल अगर हमने कोई कंस्टेंट अप्लाई की होती तो उसे भी दिखाता, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब हम इसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे इंसर्ट इनटू कमांड से। तो हमने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल वैल्यूज़ 1101, तो हमने ये सारी वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट कराई। तो 1 रो अफेक्टेड दिखा रहा है। उसके बाद तो बच्चों यहाँ पर समझने की बात ये है कि हम जब स्ट्रिंग देते हैं इंसर्ट करते समय तो उसे सिंगल कोट्स में देते हैं, बाकी इंटीजर्स को एज इट इज़ देते हैं, नंबर्स को एज इट इज़ देते हैं। तो जब हमने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो इसने दिखाया 1 रो अफेक्टेड। उसके बाद हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल करके एग्जीक्यूट किया तो इसने दिखाया कि इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, 1 रो इंसर्ट हो चुकी है स्टूडेंट डिटेल टेबल में। इसके बाद फिर से हमने इंसर्ट इनटू कमांड चलाई और रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए। उसके लिए हम कॉपी करके सेलेक्ट करके मल्टीपल टाइम्स क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं बच्चों। तो हमने एक साथ 6 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए तो 6 रोज अफेक्टेड हो गई, और इस तरीके से हमारा रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हो गया। अब हमने सेलेक्ट स्टार करके देखा तो ये हमें शो कर रहा है कि हमारे टेबल के कंटेंट्स क्या हैं। तो हम आप लास्ट वाली क्वेरी पर ध्यान देंगे बच्चों, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल रोल नंबर नेम एज। इसमें मैंने सभी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू नहीं डाली, सिर्फ रोल नंबर नेम और एज की वैल्यू डाली है। तो बाकी के जो 2 एट्रीब्यूट्स थे रजिस्ट्रेशन नंबर और सिटी, उसमें क्या एंट्री आ गई बच्चों? नल एंट्री आ गई है। मीन्स कि हमने चूंकि कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा रखी तो ये इस तरीके से अगर हम वैल्यू ना डालें तो किन्हीं एट्रीब्यूट्स में नल वैल्यू भी ले लेता है। ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हमने और भी रिकॉर्ड इंसर्ट कराए बच्चों, जैसे मैं इंसर्ट करा रही हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल रोल नंबर नेम एज वैल्यूज़ 8 पूनम 21। जैसे ही हमने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो इसमें एक और रो इंसर्ट हो गई बच्चों, जिसमें अगेन रजिस्ट्रेशन नंबर और सिटी में क्या वैल्यूज़ इंसर्ट हो गई, रजिस्ट्रेशन नंबर और सिटी में अगेन नल वैल्यूज़ स्टोर हो गई। इसी तरीके से बच्चों अभी हमने कोई कंस्टेंट नहीं लगाई, हम जिस भी एट्रीब्यूट में वैल्यू नहीं डालेंगे उसमें ऑटोमेटिकली नल आ जाएगा। और हम देखना चाहेंगे तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से देख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सेलेक्ट के साथ हम हमेशा स्टार का यूज़ करेंगे। स्टार का मतलब होता है ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टेबल। इफ़ वी वॉन्ट टू शो ओनली सम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टेबल देन वी कैन यूज़ दैट specific attributes in the query. Select name, age from student detail. This query is used to display only name and age. When I write select roll number, name, city from student detail, then it will display only values of attributes roll number, name and city from the student detail table. अब हम समझें कि बच्चों delete command को, तो delete from student detail मैंने लिखा। delete command is used to remove all the rows from the table, means all the tuples from the table, but structure remains, means कि it does not remove the structure of a table। SP help से अगर हम करके देखें तो हमें structure दिखाई दे रहा है, सारे कंटेंट डिलीट हो चुके हैं टेबल से, केवल स्ट्रक्चर बची है। देखने के लिए हम एसपी हेल्प स्टूडेंट डिटेल कमांड चलाएंगे तो ये इसकी स्ट्रक्चर शो करेगा, डेटा डिक्शनरी, और ये शो करेगा कि इसमें से कंटेंट ही रिमूव हुए, स्ट्रक्चर रिमूव नहीं हुई। अब हम ड्रॉप टेबल कमांड के बारे में जानेंगे बच्चों। ड्रॉप कमांड तो उसे देखने के लिए हमें पहले इसमें कुछ रोज इंसर्ट करानी पड़ेंगी। मैंने इसमें 3 रोज इंसर्ट करा दी, देखिए आप यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं। अब जब हम ड्रॉप टेबल कमांड चलाएंगे तो यहाँ लिखा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इट मीन्स कि हमारी टेबल ड्रॉप हो गई। ड्रॉप करने का मतलब होता है बच्चों की टेबल से स्ट्रक्चर, डेटा दोनों ही डिलीट हो गई। ये देखिए हम फिर से इस टेबल में से डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये इनवैलिड ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, मीन्स कि जब हम ड्रॉप कर देते हैं टेबल तो हमें अगर दोबारा से उस नाम की टेबल बनानी है तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। या हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें दोबारा से उसी नाम से टेबल क्रिएट करनी है तो हम पहले उसे ड्रॉप करेंगे तभी हम उस नाम की टेबल को दोबारा से क्रिएट कर पाएंगे। ड्रॉप टेबल कमांड इज़ यूज्ड टू रिमूव बोथ स्ट्रक्चर एज वेल एज कंटेंट ऑफ डेटा टेबल। होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेरीज़ के साथ मिलती हूँ बच्चों।